दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत मा नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाली सबके दोसर का बड़का त्योहार दिवाली अंतर्गत आज गाई पूजा, आज भी गोवर्धन पूजा भी। इस साल के भाई टीका में रानी पोखरी में रहल बाल गोपालेश्वर के दर्शन करे के मिली। सवेरे 5 बजे से संध्या 5 बजे तक सर्वसाधारण खातिर मंदिर खुले। तिलाटी कोइलाड़ी गांव पालिका द्वारा प्रविधि के प्रयोग करके किसान सबके धान वाले निःशुल्क काटे के शुरू। गांव पालिका से शुरू काम से किसान सब खुशी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में हजारों समर्थक सड़क में, झंडा सहित आयल प्रदर्शनकारी सब में दक्षिण पंथी समूह के सहभागिता। आईयूईएफए नेशंस लीग में फ्रांस संगे हारल पोर्चुगल समूह चरण से बाहर, फ्रांस नेशंस लीग के सेमीफाइनल में प्रवेश। अब पूरा समाचार। दिवाली अंतर्गत आज गाय के पूजा करके मनावल जा रहा बा। कार्तिक कृष्ण औसी के दिन लोक में गाय के लक्ष्मी के प्रतीक आ गौ माता मान के माता के रूप में पूजा अर्चना कैल जाला। गाय के शरीर में सभी देवी देवता निवास करे वाला शास्त्रीय कथन मुताबिक गाय पूजा कैला पर गाय के सिर से लेके पाँव तक अंग सबके पूजा करे के चलन बाटे। गाय के सिंगार के माला पहिरा के तेल घस के सम्मान करके स्वादिष्ट भोजन भी करावल जाला। पूजा उरैला बाद गाय चराबे निकाले वाला मार्ग में तोरण तार के चरण में ले जाबे के चलन बाटे। रक्षाबंधन के दिन हाथ में बांधल डोरी इ दिन गाय के पोंछ में बांधला से मृत्यु के बाद के कष्ट में सागर या बैतरणी पार करे खातिर सहज होखे के विश्वास बा। आज वे गोवर्धन पूजा भी कल जाला। दिवाली अंतर्गत कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा करे के चलन बा। नेवारी समुदाय में इ दिन आत्म पूजा या महापूजा करे के चलन बाटे। यह दिन से नेपाल संबत के नया बरस शुरू होखे वाला कारण शुभकामना आदान प्रदान करे के भी चलन बाटे। ये दिन मिथिलांचल में अन्नकूट पर्व भी मनावल जाला। गोवर्धन पूजा के दिन तराई क्षेत्र में हुर्रा हुरी पर्व आ थारू समुदाय में गौरा पवनी मनावल जाला। गोवर्धन पूजा के दिन संझिया दीप मालिका के क्रम औरी बेसी होखेला। रात के दीपावली के धूमधाम होखेला। बिहान भेल भाई टीका के भव्य तैयारी कैल जाला, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते दिवाली के बाहरी गतिविधि सब प्रभावित भइल बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राष्ट्र के समृद्धि आ जनता के सुख शांति खातिर एकताबद्ध होखेला आह्वान कैले बानी। नेपाल समत 1144 के अवसर में आज शुभकामना संदेश जारी करत उहाँ के एकता मार्फत ही समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के राष्ट्रीय आकांक्षा पूरा करे में समर्थ होखे के बतौले बानी। संदेश में उहाँ के जन निर्मित संविधान के संस्थागत कार्यान्वयन मार्फत देश के विकास आ समृद्धि के दिशा में अग्रसर करा रहल उल्लेख करत समुचे देश आ नया संविधान अनुरूप के संरचनागत भौतिक पूर्वाधार आ मानवीय विकास के क्षेत्र में नवनिर्माण के चरण में प्रवेश कैल बतौले बानी। प्रधानमंत्री ओली संदेश में विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैलल COVID-19 से बचेला विशेष सतर्कता अपनावत नेपाल संबत लगायत के पवनी मनावे के आह्वान भी कैले बानी। शंखधर साखवा द्वारा ऋण में डूबके दासोत्य के जीवन बीता रहल सर्वसाधारण सबके ऋण से मुक्त बना के स्वतंत्रता दिलावल दिन के प्राचीन काल से ही नेपाल संबत के रूप में मनावते आ रहल बाटे लोग। नेपाल संबत के ई अवसर में प्रधानमंत्री ओली काठमांडू उपत्यका में तत्कालीन समाज सुधार के नेतृत्वकर्ता तथा नेपाल संबत के प्रवर्तक शंखधर साखवा के विशेष स्मरण कैले बानी हा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण भारत में थप 8 जने नेपाली के निधन भइल बा। गैरवासी नेपाली संघ एनआरएनए के मुताबिक ई हफ्ता भारत के महाराष्ट्र और चेन्नई में कोरोना वायरस के कारण 8 जने नेपाली के जान गइल बा। संघ के स्वास्थ्य समिति के मुताबिक विदेश में कोरोना के कारण निधन होखे वाला नेपाली की संख्या 293 पुगल बा। विश्वभर 44 देश में 45,439 जने नेपाली में कोरोना संक्रमण देखा पड़ल संघ जनौले बा। उमध्य 41,439 जने कोरोना संक्रमण मुक्त भइल बाड़न सन। विदेश में कोरोना मुक्त होखे वाला नेपाली की संख्या 91% बाटे। संघ के स्वास्थ्य समिति के संयोजक डॉक्टर संजीव सापकोटा के मुताबिक यूके, स्पेन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, भारत, यूएई, कतार आ सऊदी अरब में रहल
नेपाली में थप कोरोना संक्रमण देखा पड़ल बा। एनआरएनए के स्वास्थ्य समिति द्वारा तीज त्योहार के बिरिया होके वाला छोट छोट भेंटघाट के कम करे के आग्रह करत संघ के प्रेस संयोजक चिरण शर्मा जानकारी देले पानी। इस साल के भाई टीका के दिन सवेरे 5 बजे से लेके संध्या 5 बजे तक बालगोपालेश्वर के दर्शन करे के मिली। काठमांडू महानगर पालिका राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के सहकार्य में इस साल के भाई टीका के दिन सवेरे 5 बजे से संध्या 5 बजे तक बालगोपालेश्वर के दर्शन करे के व्यवस्था मिलावल गेल बा। भाई टीका के दिन में ही खुले वाला रानी पोखरी के बीच भाग में रहल बालगोपालेश्वर मंदिर और रानी पोखरी के निर्माण सम्पन्न भेला संग ही पहिलका बार सवेरे 5 से संध्या 5 बजे तक दर्शन के व्यवस्था कैल गेल हा। बिहान सोमवार के इस साल के भाई टीका बा। विक्रम संवत 2072 विशाख बारी के भूकंप से पूर्ण रूप में क्षति पुरावल रानी पोखरी आबाल गोपालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण में संपन्न भला बाद मंदिर प्रवेश करके दर्शन करे के व्यवस्था मिलावल गेल हा। 5 बरस के बाद दर्शनार्थी लोग ए बरस मंदिर भीतरे प्रवेश करके पूजा अर्चना करे के मिले वाला कारण बहुते खुश बाड़न सन। ई मंदिर में दाजू भाई ना भैल दीदी बहिन आ दीदी बहिन ना भैल भाई सब जमा होके भाई टीका लगावे के चलन बाटे। भाई टीका के ही खातिर काठमांडू महानगर पालिका द्वारा मंदिर पोखरी के सिंगार के असुरक्षा व्यवस्था भी कड़ा बनावल महानगर वातावरण महाशाखा प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ जानकारी दिले बानी। दिवाली में प्रयोग होखे वाला गेंदा अमकमली फूल के अभाव भेला बाद नवलपुर में कृत्रिम फूल के माला के बिक्री बढ़ गेल बा। कृत्रिम माला के मांग बढ़ला संग ही नवलपुर के विभिन्न बाजार सब रंगीन भेल बा। विगत के साल सबसे करीब 1 महीना पीछे रहल इस साल के दिवाली में कृत्रिम फूल के माला आ अन्य सजावट के सामग्री के बिक्री बढ़ल बा। गेंदा आ मखमली फूल के सीजन ओरैला बाद प्राकृतिक फूल के अभाव भेला बाद नवलपुर में कृत्रिम माला के व्यापार बढ़ल हा। परपरा को तुलना में त्यस्तो व्यापार त छैन तर यत्रो समय सम्म कोरोना को कारण ले चाहिँ हामी लकडाउन में बसी हो त्यसले गर्दा खेरि चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रै भयो छ राम्रै भन्नाले भाइटिका खातिर जरूरी सरसमान किनमेल करे खातिर इबेरिया बजार क्षेत्र में चहल पहल बढ़ल बा। नेपाली समाज में भाइटिका के दिन दीदी बहिन से दाजू भाई के मखमली आ गेंदा के फूल के माला पहिरावे के परंपरा बा। दिवाली खातिर ही कह के घर के आसपास लगावल फूल सब सुखेला बाद बजारिया माला किने के पड़ल सर्वसाधारण ग्राहक सब बतावेलन। अब तिहार आइरहेछ तिहार आउँदाखेरि अब पहिला अलिक चाँडै तिहार हुन्थ्यो घरमा मखमली मालाहरू अब तिहारी फुलहरू फुलिरहेको हुन्थ्यो अब अहिलेको तिहार पछि पनि भयो अब दाजुभाइलाई टिका लगाइसकेपछि अब रित्तो गराउन नि नहुने भएको भएर अब यही माला किनेर भए पनि अब आफ्नो दाजुभाइलाई जसरी पनि खुसी गराउन लाग यस्तै छ। कागज कपड़ा आ प्लास्टिक से बनल कृत्रिम माला बहुते समय तक टीके के ऐसे देखला पर आकर्षक भी दिखाई पड़े वाला कारण ऐसन माला के प्रयोग बढ़ल व्यापारी के कहना बा। अब यो 3 दिन छोटो अवधि छ के रे हिजो देखि व्यापार में अलिक सुधार हुन्छ कि भन्ने देखिएको लक्षण हैन यहाँ हाट बजार पनि भएको हुनाले हप्तामा 3 दिन हाट बजार लाग्ने भएको हुनाले बजार तर्फ स्थायी बजार तर्फ चाहिँ व्यापार में प्रभाव अलि राम्रो हुन सकेको छैन। कोरोना संक्रमण के बाद अवस्था उल्लासमय होके नासकला बाद प्रभावित बनल गिफ्ट सामग्री बेचे वाला विक्रेता सब इ बार के दिवाली के व्यापार से कुछ संतुष्ट बनल बा। नवलपुर से खगेंद्र पराजुली की रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र के प्राथमिकता में रख के आगे बढ़ल सप्तरी की तिलाटी कोयलाड़ी गांव पालिका द्वारा प्रविधि के प्रयोग करके किसान सबसे लगावल धान बाली निःशुल्क काटे के शुरू कल गेल बा। श्रमिक अभाव के कारण कृषि क्षेत्र ही धराशायी होत समय गांव पालिका द्वारा शुरू कल गेल काम से किसान सब खुशी भल बाड़न सन। कुल 70,000 हेक्टर खेती योग्य जग्गा रहल सप्तरी में विभिन्न अभाव के चलते हर साल उत्पादन में कमी होती आ रहल बा। कृषि ज्ञान केंद्र के तथ्यांक मुताबिक पिछला साल 66,000 हेक्टर में धान बाली लगावल गयल में 15% से उत्पादन में कमी आयल रहे। इस साल 62,800 हेक्टर में धान बाली लगेला पर भी पिछला साल के अनुपात में 20% से उत्पादन में कमी आवे के कार्यालय के अनुमान बा। बिया मलखाद सिंचाई कीड़ा के प्रकोप आ श्रमिक अभाव के चलते उत्पादन में हर साल कमी आ रहल कार्यालय के कहना बा। किसान सब के अभाव परिपूर्ति करे वाला उद्देश्य के साथ कृषि क्षेत्र के प्राथमिकता में रख के आगे बढ़ल सप्तरी के तिलाठी कोयलाड़ी गांव पालिका किसान सब से लगावल धान बाली निःशुल्क काटे के शुरू कर गेल बा।
नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान देश हो भनिन्छ गरिन्छ तर अहिलेसम्म किसानहरूलाई डाइरेक्ट फाइदा हुने गरे त्यो कुनै कार्यक्रमहरू नभएको हुनाले हामीले विगतमा जुन गहुँको काटेको हिसाबले अलि एक्सपिरियन्स र त्यसबाट चाहिँ किसानको उत्साह हेरेर यसपालि चाहिँ आफ्नै पालिकामा आठवटा वडा भएको हुनाले चारवटा ट्र्याक्टर हामीले पर्चेज गऱ्यौँ र त्यो चारवटा ट्र्याक्टरबाट चाहिँ तपाईँको धानको कन्टिन्यू हामी काट्छौँ। गाउँकै ज्यादातर युवा वैदेशिक रोजगारमै गएल कारण धान बाली समयमै काटे नसके श्रमिक अभावकै चलते तनाव होत समय गाउँपालिकाद्वारा लियावल गएल प्रविधि से बड़का राहत भएल किसान सब बतावेलन। गाउँपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने हामीलाई यो समयमा बाली लगाउनको लागि जुन सहयोग गरिदिनु भयो त्यसको लागि हामी तिलाठीको लाडी गाउँपालिका सात नम्बर वार्डको म प्रकाश शाह धन्यवाद दिन चाहन्छु। कामदार त पाउनु भनेको त स्वर्गको सिँढी चढ्नु जस्तो भइसकेको छ त्यही भएर जुन यो समयमै नै यदि यही ढिलो गरिदिएको भए नराम्रो हुन थियो तर यो समयमै गरिदिएको भए हामी गाउँपालिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो मसिनले कटाइमा टाइममा गेहुँ बाउ तरकारी खेती आलु खेती टाइममा गर्न पाइन्छ र लेबर कोर्सले गर्दा अब लेबर कोर्समा लगानी पनि बढी लाग्छ र टाइममा अर्को फसल लगाउन कठिनाइ हुन्छ। प्रविधिकै प्रयोग गरके समयमै धान बाली भित्रैलाबाद सिजन रहते गेहुँ तोरी मसुरीके दाल बेदाम सरसों लगायतके नयाँ बाली लगावेला किसान सबके सहज होखेवाला बा। सप्तरी से विद्यानन्द राम के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। दिवाली की छुट्टी के कारण नेपाल में आज सोना चांदी के दर भाव निर्धारण ना भइला पर भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना के दाम बढ़ल बा। सोना के दाम प्रति औंस $10 से बेसी बढ़ल बा। इससे पहले प्रति औंस $1,878 के करीब में किनबेच हो रहा सोना इतवार के $1,899 में किनबेच हो रहा बा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोरोना वायरस के वैक्सीन पत्ता लगला बाद एक दिन उच्च अंक से बढ़ के नेपाली बाजार में कार्तिक 25 गते प्रति तोला 3400 से सोना के दाम घटल रहे। 19 से सोना के दाम लगातार बढ़ते जा रहल बा। कोरोना वायरस के वैक्सीन पत्ता लाके ओके विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता देला पर सोना के दाम और ही बेसी घटे के विश्लेषक सब के अनुमान बाटे। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के समर्थन में हजारों समर्थक सब सड़क में उतरल बाटे लोग। वाशिंगटन डीसी में ट्रम्प के समर्थक सब चुनाव में धांधली भइल कहेवाला प्रमाण विहीन आरोप के पक्ष में सड़क में उतरल बा लोग। झंडा सहित आयल प्रदर्शनकारी सब में दक्षिणपंथी समूह प्राउड बॉयज सहित के सहभागिता रहे। कुछ प्रदर्शनकारी सब हेलमेट आ बुलेट प्रूफ भेस्ट भी पहिले रहे। गल्फ कोर्स जाए खातिर निकलल ट्रम्प की गाड़ी के भी समर्थक सब घेर ले रहे। नोवेम्बर 3 में भयल चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन जीतल बाड़न वहां के 306 इलेक्टोरल कॉलेज मत मिलल बा। 4 बरस पहले उतना ही मत मिलके जीतल ट्रम्प अभी तक हार के स्वीकार नहीं कर सकल। प्रदर्शनकारी सब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के शॉर्ट फॉर्म मैगा लिखल हैट पहिले रहे। आप खेलकूद समाचार। यूईएफए नेशंस लीग अंतर्गत शनिचर के खेल में फ्रांस संगे हारला बाद साबिक विजेता पोर्चुगल समूह चरण से बाहर हो गेल बा। घरेलू मैदान में फ्रांस संगे पोर्चुगल 1-0 से हारल रहे। फ्रांस के जीत में मिडफील्डर एनगोलो कांटे एकमात्र गोल कलन वहां के 53वां मिनट में 6 यार्ड बक्स भीतर से गोल करत मेहमान टोली के अग्रता दिलौले रहलन। ओकरा बाद पहिलका हाफ में एंथोनी मार्सियल के हेडर क्रॉस बार में लगला बाद फ्रांस आगे बढ़े के अवसर गुमैले रहे। पहिलका हाफ में पोर्चुगल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी प्राप्त अवसर के सदुपयोग नहीं कर सकलन। पोर्चुगल के डिफेंडर जोसे फोंटे के प्रहार पोस्ट लाग के लौटला बाद पोर्चुगल खेल में लौटे ना सकल। एकरा साथ ही फ्रांस नेशंस लीग के सेमीफाइनल में प्रवेश कैले बा पोर्चुगल उपाधि रक्षा करे ना मिले के पक्का पक्की भइल बा। फ्रांस अंतिम खेल में क्रोएशिया के सामना करी समान अंक भइला पर भी हेड टू हेड लाग होके भइला बाद फ्रांस भी अंक तालिका के शीर्ष स्थान में रहे के
पक्का भेल बा। फ्रांस के पांच खेल में चार जीत आ एक बराबरी सहित 13 अंक बा, तो पुर्तगाल एक हार 3 जीत आ एक बराबरी सहित 10 अंक में बा। क्रोएशिया आ स्वीडन के समान 3-3 अंक बा। अंक तालिका के नीचे रहल टोली रिलेगेशन में पड़ी। सरिंचर के ही दूसर खेल में स्वीडन क्रोएशिया के 2-1 से हरौले रहे। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान द्वारा अघन दोसर का हफ्ता नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य प्रशिक्षक घोषणा करेवाला जनावल गेल बा। क्यान द्वारा सनिचर के नेपाली टीम के मुख्य प्रशिक्षक अघन दोसर का हफ्ता घोषणा करे के बतावल गेल हा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी संघ के समन्वय में मेन प्रशिक्षक के घोषणा करे के जनावल गेल हा। क्यान द्वारा सनिचर के आवेदन दिहल 12 प्रशिक्षक के अंतर्वार्ता भी लेहल गेल बा। मुख्य प्रशिक्षक खातिर आवेदन पड़ल 72 से पहल का चरण में 25 प्रशिक्षक छनौट कैल गेल आ ओसे अंतिम अंतर्वार्ता खातिर 12 प्रशिक्षक छनौट कैल गेल क्यान जनौले बा। क्यान द्वारा मुख्य प्रशिक्षक छनौट खातिर 5 सदस्यीय छनौट समिति भी गठन कैल गेल बा, जेमे 3 जने क्यान से, 1 जने आईसीसी से आ 1 जने स्वतंत्र विज्ञ बाड़न सन। अंत में प्रमुख समाचार फिरु एक बेर। नेपाली सबके दोसर का बड़का त्यौहार दिवाली अंतर्गत आज गाय पूजा, आज भी गोवर्धन पूजा भी। इस साल के भाई टीका में रानी पोखरी में रहल बाल गोपालेश्वर के दर्शन करे की मिली। सवेरे 5 बजे से संध्या 5 बजे तक सर्वसाधारण खातिर मंदिर खुली। तिलाठी कोइलाड़ी गांव पालिका द्वारा प्रविधि के प्रयोग करके किसान सबके धान बाली निःशुल्क काटे के शुरू। गाँव पालिका से शुरू काम से किसान सब खुशी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में हजारों समर्थक सड़क में, झंडा सहित आयल प्रदर्शनकारी सब में दक्षिण पंथी समूह के सहभागिता। यूएफए नेशंस लीग में फ्रांस संगे हारल पुर्तगाल, समूह चरण से बाहर। फ्रांस नेशंस लीग के सेमीफाइनल में प्रवेश। एकरा साथी भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।